to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May the dear God bless you. May the dear God bless you. स्नेहा, तो आज तो भेज है और सैटरडे को ही तुम्हारा जन्म हुआ और अनफॉर्चुनेटली आज जो बर्थडे है वो सैटरडे गिरा है 28 मई को. तो जितना भी भेज आइटम है तुमको पसंद आया है ना? तुमको तो यही सब पसंद है. ऐसे भी मंदरमनी में तुम मछली और चिकन और मटन खा के थक गए होगे. और थोड़ा देर के बाद स्नेहा जाएगी अपना दोस्त लोगों के साथ बर्थडे मनाने, है ना बेटा? स्नेहा को किए है 5 किस्म का भाजी, साग, मिठाई, खीर, झींगे पोस्तो, दाल. गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो स्नेहा गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग. ओ गुड मॉर्निंग बोल पे कोथा है. अच्छा तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज है मेरी बेटी का बर्थडे. तो ये देखिए, सुबह से हम लोग स्नेहा के पापा खीर बनाया, आलू का चचड़ी इसको बोलते हैं, एंड ये है पूरी. तो स्नेहा इसका एंजॉय कर रहे हैं और मेरा जो है प्लेट यहाँ पे है और ये 5 किस्म का भाजी जो है इसको थोड़ा एवर्ड कर इस तरह से हम काट के रखें. तो आज है सैटरडे और सैटरडे में आज का दिन स्नेहा का जन्म हुआ 28 मई को, ठीक है? लेकिन 28 मई को जन्म हुआ और सैटरडे जो दिन है यही दिन में उसका जन्म हुआ. सैटरडे ही आज का जन्म बार भी है, जन्मदिन भी है. तो अभी से अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ. और ऐसा लड़की, ऐसा बर्थडे गर्ल आप लोग पहली बार देखे. अगर नींद से उठी, ब्रश की, गरम गरम पूरी का महक उसका स्मेल में आया, जल्दी जल्दी खाना था. हम बोले कि बेटा रुको, हम थोड़ा सा धान दुब्बा वो सब उठा के ले आते हैं, थोड़ा आशीर्वाद करें. तो बोले कि आशीर्वाद तो ऐसे ही हो जाता है मेरा, पहले खाने दो, पहले पेट पूजा उसके बाद आशीर्वाद, ठीक है? तो यही बात है. बाकी पूरी यहाँ पे है. तो आज टोटली घर में भेज हो रहा है. कल बनाएंगे स्नेहा का मनपसंद चिकन, क्योंकि स्नेहा को रेड मीट पसंद नहीं है, स्नेहा को चिकन पसंद है, है ना? ठीक बोले हम? यस. तो आज होगा 5 किस्म का भाजी, आलू पोस्तो, दाल, भात, नहीं आलू पोस्तो नहीं, झींगे पोस्तो. झींगे पोस्तो. जीप को ऐसा कर रहे. अच्छा खाओ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. अभी यहाँ पे हो गया और नाश्ता हम करने जा रहे हैं और बापी यहाँ पे बना रहे हैं चाय. तो हम तो अभी खीर नहीं खाएंगे, अभी स्नेहा के लिए जल्दी जल्दी करके कर दिए. और एक सच बात आज हम ब्लॉग में बोल रहे हैं, खीर सबसे अच्छा बापी बनाता है, यही बात है. तो पापा ने उसका बना दिया खीर, ठीक है? आलू का चचड़ी भी जो है वो भी पापा ने बना दिया, ठीक है? मैदा हम सान दिए हैं, पूरी भी जो है इधर देखिए ना, वो भी इसका पापा ने बना दिया, प्रत्युषा के पापा ने, स्नेहा के पापा ने. तो हम खा लेते हैं जल्दी से, इतना तो हम कर सकते हैं ना उनके लिए, जब इतना कर दिया है ना बापी. और चाय भी बना दे रहा है बापी. तो मेरा अभी ब्लॉग को हम बंद करते हैं कैमरा को, क्योंकि इतना प्यार से जब बना दे रहा है तो मेरा भी कुछ ड्यूटी है, मुझे भी जल्दी से अच्छा से खाना है, ठीक है? तो खाना के बाद हम मिलते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम है. मैं रेडी हो चुकी हूँ, नीचे एक लॉन्ग स्कर्ट है और ऐसे कुर्ता है. तो स्नेहा को पहले दिखाना चाहिए. तो स्नेहा भी बहुत अच्छा एक टाइगर फ्रॉक पहनी है, तो उसी का ही बर्थडे है. तो बापी अभी उसको पहुँचाने के लिए गए हैं, तो आएगा तो फिर हमको लेके जाएगा. तो चलिए डायरेक्ट वहाँ पे जाके मिलते हैं. अच्छा, स्नेहा को लास्ट पार्ट में दही दिए थे, तो दही बहुत अच्छा था. और दही रसगुल्ला दोनों दिए थे पियू हम. अच्छा, एक तो चीज हम भूल गए पियू,
हम ले आएंगे शाम को आम। हाँ, आम स्नेहा को बचपन से बहुत पसंद है, ले आएंगे। और हाँ, तो अभी स्नेहा का मर्जी है कि इस बार मम्मी कैफ में करेंगे बर्थडे, तो घर में नहीं करेंगे, ठीक है। इन लोगों का अभी न्यू स्टाइल हुआ है, तो ठीक है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है या उनका जो जो शौक है वो तो पूर्ण करना ही है मम्मी पापा को। और अभी रास्ता थोड़ा सा ये है, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा कप रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिए गाइस। तो स्नेहा को स्नेहा के पापा मतलब बापी पहुंचा के आए हैं रेस्टोरेंट में, कैफ में, और अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी हमको लेके जा रहे हैं। तो वहीं पे केक वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलता है, बर्थडे का सारा एसेसरीज वहाँ पे मिलता है, सारा चीज़ वहाँ पे मिलता है, आइसक्रीम्स अच्छा, तो कैफ भी है, तो मतलब वहीं पे हम लोग आज बुकिंग किए हैं हाँ शाम के टाइम। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो चलिए अब मैं वहाँ पर जाके मिलते हैं।
वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे केक अभी लगा हुआ है तो वहाँ पे वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो बापी यहाँ पे हमको यहाँ पे मॉल पे लेके आए हैं, बालाजी मेगा मार्ट मॉल में लेके आए हैं। तो वो बोला कि चलो क्यों, तो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं, बच्चों लोग को इंजॉय करने दो, तो हम तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, ऐसा मौका बार बार कम मिलता है। तो यहाँ पे सब साड़ी लहंगा सब इधर है और बहुत सुंदर सुंदर है। तो हम लेडीज़ काउंटर में है, ऊपर है मेंस का, नीचे है किड्स का, मतलब ऐसा बहुत है। तो अभी थोड़ा देख रहे हैं ये सब। बाकी को ये वाला पैंट मेरे लिए बहुत पसंद है, बोले एकदम कॉटन है तो उनको बहुत अच्छा। गाइस मैं कुछ ली हूँ और मैं अगला वाला ब्लॉग में या तो बाद में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, लेकिन अभी शेयर नहीं करूँगी क्या हमको पपी दिए हैं। तो यही बात है, तो फिर से चलते हैं कैब में। लस्सी, वेरी गुड। तो यहाँ पे है और ये मेरा प्लेट है, हम एक लिए है, ठीक है। यहाँ पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, सही में बहुत टेस्टी था। हक्का नूडल्स, देन चिली पनीर, सब कुछ बहुत टेस्टी था। अभी हम पिज़्ज़ा को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे है सारा गिफ्ट हम लोग लेके आ गए। सो बच्चा का पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कितना देर तक रहेंगे, खाए पिए अब एकदम पेट भर गया है, चलने का हिम्मत नहीं है। तो हम ना बापी को बोले हमको घर छोड़ दो, तो हम घर जाके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ऐसे भी वहाँ से आए ना, मंदरमणि से आए, हमको ज़रा सा भी अच्छे से रेस्ट नहीं हुआ। घर में आके काम वगैरह ये वो करते करते ना हालत ख़राब हो गया। तो वही है कि हम बोले कि हम बेटा हम जा रहे हैं, पहले घर में आए, अब थोड़ा सा ठंडा पानी पियेंगे। तो यही बात है, तो यही था आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा, स्नेहा का बर्थडे तो हम हर साल आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो स्नेहा को सब ब्लेसिंग कीजिएगा। बर्थडे विश आप लोग बहुत कोई कर रहे हैं, फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में भी बहुत कोई ब्लेस दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू टू ऑल।